एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर सारंगपुर अभिभाषक संघ ने सौंपा ज्ञापन। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर सारंगपुर अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय परिसर में टेंट लगाकर हड़ताल की एवं ज्ञापन सारंगपुर न्यायाधीश महोदय को सौंपा गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले 5 वर्ष पूर्व की गई थी, लेकिन अभी तक वकीलों को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसी को लेकर सभी न्यायालयों में वकीलों द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष चंद्र कुमार जैन ने बताया कि यहां हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा आंदोलन आगे भी सतत जारी रहेगा। के संबंध में आज राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पे अभिभाषक सारंगपुर ने जो है एक ज्ञापन पेश किया है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम पर, और हमारी मांगे ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण अधिवक्ताओं के साथ हमेशा अप्रिय घटना होती रही। कई बार अभिभाषकों को अभिभाषक की कार्य के दौरान मारपीट की गई है, गोली चालन हुआ है उनके ऊपर, और आज तक उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहते हैं। कई बार एडवोकेटों के खिलाफ झूठी शिकायतें भी हो जाती है और उनकी बिना जाँच करे जो है उन पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए भी अधिवक्ता परिषद ने मांग की है कि बिना जांच के अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। अभी कितने दिन तक अपने हड़ताल चली? ये 9/4/2018 से 14/4/2018 तक पूरे सप्ताह जो है ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी, और लगातार इसमें धरना प्रदर्शन आदि समय समय पर ज्ञापन और उसके माध्यम से हम पत्र लिखेंगे और कार्यवाही करवाएंगे। सारंगपुर से सलमान अली की रिपोर्ट। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गढ़ माने जाने वाली महेश्वर नगर में इन दिनों प्रयाग उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इन कलाकारों ने संसाधनों की कमी के बावजूद रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का आयोजन और मंचन करते हुए नगरवासियों का मन मोह लिया। 2 सप्ताह तक चलने वाली इस रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर राम सीता विवाह, सीता हरण, राम सेतु निर्माण के साथ लक्ष्मण को शक्ति लगने और हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने जैसे कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का मंचन किया गया। रामलीला मंडली के प्रमुख पंडित जगदम्बा प्रसाद उपाध्याय के निर्देशन में नियमित रूप से चलने वाली रामलीला में 10 से 12 कलाकार हैं। रामलीला में पुरुष कलाकार ही महिला पात्रों का चरित्र बखूबी निभा रहे हैं। रामलीला के प्रथम दिन नगर के प्रतिष्ठानों ने भगवान राम की आरती उतारते हुए जय श्री राम का जयघोष भी किया। तीसरे दिन सीता स्वयंवर के दौरान लंकापति रावण और बाणासुर का आकर्षण अभिनय और संवाद प्रस्तुत किया गया। रामलीला को देखने के लिए प्रतिदिन नगर के सैकड़ों दर्शक आ रहे हैं, जिससे कलाकार के उत्साह में वृद्धि हो रही है। महेश्वर से कृष्णलाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी की बैठक में मंडी सदस्य व व्यापारियों ने उठाए मुद्दे। बैठक के दौरान व्यापारी कृष्ण मंगल गोपी ने उठाई समस्याएं। मंडी व्यापारी और कर्मचारियों में हुई तीखी बहस। कृषि उपज मंडी की बैठक में आए दिन गेट पास को लेकर कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए, ऐसे आरोप मंडी व्यापारी से मंडी कर्मचारियों पर लगाए गए। मंडी समिति द्वारा कर्मचारियों को बुलवाया गया, उनसे पूछा गया कि क्या राशि लेते हो, तभी व्यापारी और कर्मचारी की तीखी बहस हो गई और हंगामा भी हो गया। हंगामे को शांत करने के लिए मंडी द्वारा सख्त हिदायत दी गई, कर्मचारी नियमानुसार कार्य करें ऐसा भी कहा गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मंडी सदस्य अवध शर्मा ने कहा कि मंडी के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती किस आधार पर की गई है हमें तो पता भी नहीं है। मंडी सेक्रेटरी ने कहा कि भावांतर योजना के लिए मंडी बोर्ड द्वारा कर्मचारी भेजे गए हैं। अवध शर्मा ने सचिव को कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं है, कर्मचारी सभी स्थानीय हैं, इसकी चर्चा पूरे शहर में चल रही है। तभी बैठक में यह तय किया गया कि योग्यता के अनुसार ही भर्ती की जाएगी। वहीं मंडी सदस्य राजेश सहेली ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि मंडी बेगम बाग के पास नाला अधूरा निर्माण पड़ा है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हादसे का भय बना हुआ है। मंडी कर्मचारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि जल्दी उसको ठीक कर दिया जाएगा। वहीं मंडी सदस्य सुनील यादव ने मंडी में पीने का पानी न होने की बात कही।
किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और समय समय पर व्यापारियों की तोल काटों की भी जांच होनी चाहिए। मंडी समिति ने इस पर आश्वासन दिया है। सिरोंज से अब्दुल अलीम की रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही के चलते कानवन के लोग हो रहे हैं परेशान। लोगों का कहना है कि रोजाना कानवन आना जाना दुश्वार हो गया है, हादसे का डर बना रहता है। जनपद अध्यक्ष प्रकाश सावंत भी दिखे नाराज। गौरतलब है कि आजादी के बाद अथक प्रयासों से रतलाम के गुजरी मार्ग से खाचरोदा मार्ग, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है, का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल होकर हुआ है। मार्ग का निर्माण वर्ष 2010 और 2011 में हुआ था। उक्त सड़क कानवन से पूर्वी क्षेत्र चामला नदी किनारे के ग्राम वरनासा, कराडिया, नावदा, वडगारा, पायकुंड होकर खाचरोद तक लोगों को जोड़ती है। इतना ही नहीं, वडनगर व साथ ही देपालपुर मार्ग से होते हुए ग्रामीण जनों को जोड़ते हुए इंदौर तक प्रधानमंत्री सड़क का लाभ मिला। सड़क बनने के बाद नियमानुसार ठेकेदार को 5 वर्षों तक सड़क का रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण और ठेकेदार की मनमानी के कारण रखरखाव में लापरवाही बरतते हुए कभी भी समय पर पेचवर्क नहीं किया गया और वर्तमान में सड़क की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वाहन तो दूर पैदल चलने लायक भी नहीं बची है। करीब आधा से 1 फीट गहराई वाले और 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई वाले बड़े बड़े जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस रोड की जर्जर हालत पर अभी तक अनगिनत वाहन सवार घायल हो चुके हैं और कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं, लेकिन उक्त जर्जर सड़क के सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बोर्ड पर लिखा लोक निर्माण विभाग देखकर जब लोक निर्माण विभाग से चर्चा की गई तो विभाग का कहना है कि अभी तक हमारी सुपुर्दगी नहीं हुई है। जनपद अध्यक्ष प्रकाश सावंत भी कर चुके हैं शिकायत। जब इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधि व जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रकाश सावंत से चर्चा की गई तो बताया कि प्रधानमंत्री सड़क बनने के बाद ठेकेदार ने समय समय पर मेंटेनेंस नहीं किया, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग को कर दी गई है, लेकिन संबंधित विभाग तालम टोल के अलावा कुछ नहीं कर रहा। श्री सावंत ने बताया कि दोनों विभाग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और बस एक दूसरे पर ढोलने में लगे हुए हैं। इसकी शिकायत में उच्च स्तर पर संबंधित विभाग को भी की गई, लेकिन संबंधित विभाग भी इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। जब लोक निर्माण विभाग बदनावर SDO कविता मालवीय से मोबाइल पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त सड़क अभी तक हमारे विभाग के हैंडओवर नहीं की गई है, इसलिए इस पर हम भी अब तक कुछ नहीं कर सकते। कानवन से जो खाचो तक का जो रोड का निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री रोड के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, किंतु आज ये रोड पूरे बड़े बड़े गड्ढों से भरा पड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस मामले में सभी अधिकारियों को, सभी को अवगत, प्रधानमंत्री PWD लोगों को अवगत कराया दिया गया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी 2 दिन पूर्व ही में PWD अधिकारी ऑफिस में जाके आया, PWD में कोई अधिकारी नहीं था। जिला पंचायत में इसका प्रस्ताव पास कर किया था, विरोध किया था, तो जो PWD के अधिकारी ये साहब जैन साहब ने ये बात रखी थी कि मैं 4 दिन इसको प्रारंभ कर दूँगा कार्य को, परंतु उनका प्रमोशन होकर वो उज्जैन चले गए। अब यहाँ पर इस संबंध में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री कार्यालय गया तो उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने PWD को हैंडओवर कर दिया गया है। इस संबंध में दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे। कानवन से विशाल राव निकम की रिपोर्ट। रविवार को पिपरिया पचमणी रोड पर रुचि गांव मार्ग पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चालक ने पीछे से एक बाइक चालक को टक्कर मारकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। दुर्घटना में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। 108 से घायलों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। रिछेड़ा गांव मुख्य मार्ग पर भोपाल से छिंदवाड़ा जा रही जिला पंचायत अध्यक्ष के जीप चालक ने तेजी व लापरवाही से एक बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। दुर्घटना इतनी तेज गति से हुई कि बाइक सड़क से कई फीट दूर जाकर गिरा। DI सतीश अंधवान ने बताया कि छिंदवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष कांताबाई भोपाल से छिंदवाड़ा जा रही थी, उसी दौरान चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। अध्यक्ष की जीप को जब्त कर थाने खड़ा करवा दिया गया है। वहीं जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। दुर्घटना में रायखेड़ी निवासी बाइक चालक
बलिराम प्रजापति, पत्नी बबीता, पुत्री भवानी, भतीजी लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जीप चालक की लापरवाही है, उसने पीछे से बाइक को टक्कर मारकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। घटना के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राजीव जायसवाल, नवनीत नागपाल ने घायलों को उचित कार्यवाही कराए जाने का आश्वासन दिया। लगभग 2 से 2.5 बजे के बीच की बात है, पिछड़ा गांव के पास एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। तो सूचना पर यह ज्ञात हुआ कि एक अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके वाहन चालक द्वारा सामने जा रही मोटरसाइकिल के चालक को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। वाहन चालक जो अपने परिवार के साथ जा रहा था, उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं पर 0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और वाहन चालक और ये अपने गाड़ी चालक और स्कॉर्पियो थाने में खड़ी किए गए। होशंगाबाद से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। सिवनी मालवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र को बहुत जल्द ही 60 बिस्तरों का नया भवन की सौगात मिलने वाली है। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि यदि इतना बड़ा भवन मिल गया तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाएगी। वर्तमान में जिला होशंगाबाद में सिवनी मालवा ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है और वर्तमान में यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 6 डॉक्टरों की आवश्यकता है, पर मात्र 2 ही डॉक्टर हैं। अस्पताल का नज़ारा देखने में ऐसा लगता है जैसे कई मरीज बिना इलाज के ही लौट जाएंगे, क्योंकि ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं ना पर्याप्त स्टाफ। इसके बाद 60 बिस्तर का अस्पताल होने के बाद क्या स्थिति होगी, इसका तो भगवान ही मालिक है। अभी हालात यह हैं कि कोई पेशेंट इलाज के लिए आता है तो उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत होशंगाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि 60 बिस्तर का अस्पताल बन जाने के बाद व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। इस विषय में BMO कांति भास्कर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार जिला मुख्यालय में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए आवेदन दे रखा है, पर हमारी मांग जस की तस बनी हुई है। कहना बिल्कुल सही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में 60 बिस्तर है, नया भवन हमें जल्दी ही मिलने वाला है और उसकी स्थिति को देखते हुए भवन की तो ज़रूरत थी ही, क्योंकि अपना पूरे होशंगाबाद संभाग में सबसे बड़ा ब्लॉक है सिवनी मालवा और डॉक्टरों को देखें तो सिवनी मालवा में मात्र 2 ही चिकित्सक पदस्थ थे और एज ए BMO मुझे बार बार मीटिंग्स में जाना पड़ता है और कई तरह के जो अपने प्रोग्राम्स रहते हैं सरकारी जो योजनाएं चलती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए हमें आए दिन मीटिंग्स लेना पड़ती हैं और मीटिंग्स में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 डॉक्टर की पदस्थापना होना ही चाहिए। आपने जिला मुख्यालय में इस बात की सूचना दी? जी, मेरे द्वारा जिला मुख्यालय में इस चीज़ की सूचना दे दी गई है। दूसरी बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए, उनमें से अभी तक एकमात्र मैं ही MS। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।